अकाउंट में ये मोगन एम्पायर हमने शुरू कर दिया था ना। हाँ फ्लाइट भी हो गई थी, जाना बताया था और फिर का भी बताया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। नहीं मैम, नहीं मैम, बहुत धीमे धीमे आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ मैम। क्लियर है आवाज? हाँ हम लोग का ये मेरे को इको हो रहे हैं। नहीं मैम, खूब कमी येता है। आता वो ये था है। क्लियर है आवाज? क्लियर है कमला? नहीं मैम। आवाज है तो? हेलो, हेलो, मजा आवाज है तो? हो मैम, आता है, येता है। ये था ना? मैम पण आता स्क्रीन शेअर नाही होत आहे। हो खरंच आहे, मी स्पंद केलो। आपण हे मुघल निजाम हे झालेलं होत ना विडोज अँड मॅरेज नंतर घेते, 6 वाजेपर्यंत आहे माझ्या क्लास। बस आपका जो ड्राइंग वाला सेशन है, मैंने आपके साथ जैकेट भेजे हुए, जैकेट के पिक्चर्स। हेलो, हाँ मैम, मैं बोली आपके ग्रुप में मैंने शेयर किए पिक्चर्स जो इलस्ट्रेशंस के हैं। यस मैम। मैम वो सब निकालने हैं क्या? हाँ वो ड्रॉ करने हैं। आपके आपके सिलेबस में बहुत कुछ है, इस बार जैकेट्स है, कोट्स है, ड्रेसेस है, तो आपकी स्क्रीन पे लिखने को शेयर है शीट्स कुछ कुछ, मतलब जैकेट सेम होंगे, वो मत करो। लेकिन हेलो, जिसे बनाने हैं हम काय मतलब? हेलो, हाँ मैम, क्या मतलब? जैकेट में जितने पाठवले है ना, सगळं करायचं आहे तुम्हा लोकांना। जेवढे पाठवले तेवढे की त्याच्यातले अर्धे?
और देने जितने पैसे लेते थे प्रिंटर्स कराए मैम वेगवेगळे पेजेस वर करायचे ते. हॅलो मॅम तुमचा आवाजच नाही येत आहे बरोबर. एकदा लेफ्ट होऊन पुन्हा जॉईन करू का? एकदम दबला दबला येत आहे मॅम. आता क्लियर आहे का वॉइस? हो मॅम. हॅलो. हा हा मॅम येत आहे. आता येत आहे ना? हो हो. मी हे विचारत मॅम काय म्हटलं तुम्ही ते आज जे फोटोज पाठवले आहे ना जॅकेट अजून पोस्टचे ते रंग रंगीन पण आहे. ब्राऊन कलर शेड काही लेदर्सचे जॅकेट आहे. ते सर्व तुम्हा लोकांना करायचं आहे ठीक आहे. भले तुम्ही लोक स्टेडलेसनी कलर करा कलर पेन्सिलनी किंवा पोस्टर कोणाला जास्त चांगलं याच्याने येत असेल पोस्टर कलर वॉटर कारण की पाणी घेऊन आपण कलर करतो. हा मॅम. मॅम त्याच्यामध्ये वेगवेगळे टेक्स्चर्स पण टाकायचे आहे का? नाही लेदर मध्ये नका टाकू. जॅकेट अजून कोट्स वर नका टाकू. तुम्ही स्कर्ट वर घेऊ शकतात. मग बाकीचे जे ड्रेसेस राहील त्याच्यावर घेऊ शकतात. आणि मॅम जे तुम्ही पूर्ण पॅन्टचे जे डिझाईन ट्राउझर्सचे पाठवले ते जेवढे फोर फोटोज पाठवले तेवढे पूर्ण काढायचे? फोर नाही एक पेन्सिल वाला आहे. मी ते फोटोज याच्यासाठी हे केले होते कलर्स कारण की तुम्हा लोकांना कलरिंग करायची आहे ठीक आहे. जे फोटोज आहे तेच नुसतं कराल त्याच्यात म्हणजे पेन्सिल वर्क वाला एक शीट आहे. एक मिनिट मॅम. हा मॅम एक पेन्सिल शीट वाला ते पीक स्ट्रेट वगैरे थोडा त्याच्यामध्ये मॅम ब्राउनिश कलर आहे स्किनिश कलर आहे हो म्हणू शकतो. आणि एक क्लॉथिंग गाईडचं टाइप्स ऑफ पॅन्ट मध्ये पण तुम्ही पाठवलं आहे तर ते दोन्ही पण काढायचे आहे का? हो बघाल त्याच्यातून एक एक म्हणजे दोन्हीकडे सेम ट्राउझर्स असेल तर नका काढू. नाही सेम नाही आहे मॅम डिफरंट आहे. हो तर डिफरंट असेल तर काढू. थोडे डिफरंट आहे थोडे सेम आहे. ठीक आहे ठीक आहे. जॅकेट कोट ते करायचं आहे. पूर्णच काढायचे आहे का त्याच्यातले? हो जॅकेट तर एक पूर्ण काढायचं आहे. त्याच्यात नाव रिपीट झालेले आहेत मी बघितलंय जे पाठवलंय त्याच्यात नाव रिपीट झालंय ते नका करू. मॅम नाही पॅन्ट मध्ये म्हटलं पूर्ण काढायचे का? हो हो पूर्ण काढायचे. हे विंटर कोट्स आहे आणि आउटर वेअर मध्ये जॅकेट जॅकेट आणि ते कार हे सगळं काही. हा मेन्स जॅकेट कोट्स आणि टाइप्स ऑफ लेदर जॅकेट. हो हो. मग ते लेदरचा मग इफेक्ट कसा द्यायचा ते सांगाल ना? हो ठीक आहे मी सांगेन. पण हा माझा 4 ते 5 वाला क्लास नाही 4 ते 6 वाला क्लास नाही घेणार आहे. मॅम काल पण नव्हता घेतला तुम्ही? हॅलो मला सगळी. हा हा ठीक आहे ना. ट्राउझर्स आणि ते तेवढं काढायचं. हे पार्ट पण आम्ही लोकांनी केलं होतं की हे गुप्ता एरा मध्ये जास्त करून असं नेटचं फॅब्रिक म्हणू शकतो की इंट्रोड्यूस झालं होतं. नेटवर गोल्डन ते बुटे जे राहत होते सिक्वेन्स वाले ते राहत होते म्हणजे हे ट्रान्सपरन्सी इफेक्ट चे कापड राहत होते
म्हणजे आरपार दिसणार आहे, तर दुपट्टा एक किंवा ओढणी, सिल्क वर्क, सिल्क ची पण दुपट्टा राहत होता, पोलका डॉट हाफ स्लीव एंड वेस्ट, पोलका डॉट फॅब्रिक वेस्ट पर्यंत किंवा बस्ट पर्यंत ब्लाउजेस राहत होते. तर हे काळात आपले ब्लाउजेस जसं आपण आता घालतो साडीवरचे तसे आहेत. मॅम हा मॅम, आणि जे लास्ट टाइमला शीट्स बनवले होते मॅम, त्याचं फोल्डर नाही करायचं आहे का रेडी? करायचं आहे ना मॅम, ते आम्ही शीट्स हो ते सध्या आता शीटच राहू द्या, हे पण झालं की सोबतच करून घ्याल. ठीक आहे. मला वाटलं नव्हतं की लॉकडाऊन मध्ये पुन्हा सेकंड सेम पण असंच राहणार आहे की दुसरा सेम. ते सोबतच कराल तर इयर तर पूर्ण पॅक एका सोबत होऊन जाईल. ओके ओके. निजामचं आला, आपण आज निजामचे हे खादा दुपट्टा अर्धा सारखा दुपट्टा अनकट इव्हेल्स राहत होते, म्हणजे हे दुपट्टा लांब म्हणजे किती 6 यार्ड लांब दुपट्टे राहत होते. अजून चुडीदार क्रश पेअर ऑफ पॅन्ट स्लिन्स खाली चुन्नटे येत होते. ठीक आहे, त्याला क्रश पेअर ऑफ पॅन्ट म्हणतात. ट्युनिक म्हणजे वरची जी कुर्ती आहे त्याला ट्युनिक म्हटलेला आहे, कुर्ता. अजून दुपट्टा, तर दुपट्टा हे 6 यार्डचा राहत होता. ट्रेडिशनल वर्ड बाय द हैदराबाद ब्राइड. समटाइम्स द कुर्ता इज स्लीवलेस, तेव्हा स्लीवलेस पण निजाम लोकांनी आतापर्यंत आपल्याला स्लीवलेस असं काही नाही होतं. आतापर्यंत स्लीव जॅकेट वर फुल स्लीव चुडीदार स्लीव हे पद्धतीचे कपडे घातलेले आहेत. आता निजाम मध्ये तुम्हाला लोकांना स्लीवलेस गार्मेंट हे झालंय. ठीक आहे, वोन ओव्हर द छोटी रिझेम्बलिंग द चोली रिझेम्बल द रिझेम्बलिंग अ चोली ब्लाउजेस म्हणू शकतो आपण. चोलीला वर घागरा चोली जे म्हणतो तर ते ब्लाउजेस झालं ना वरचं. की दुसरी दुसरं काही विषय हे आहे शब्द ब्लाउजला चोली म्हणू ना. द ब्राइड ऑल्सो वेअर अ मॅचिंग घुंगट म्हणजे वेल ओव्हर हर हेड. जे लाच जे चोली म्हणजे चोली अजून खालचे चुडीदार जे पद्धतीचं आहे ते मॅचिंग घुंगट राहत होत. ज्वेलरी मध्ये इथे टीका म्हणजे मांग टीका झाला, झुमर, नथ, टिंकल ऑल्सो नोन एज जादू झरा जवर. कानफूल म्हणजे कानातले जे टॉप्स आहे ते फुलांचे आकाराचे असतात. लडा नेकलेस असेल, राणीहार अगेन नेकलेस म्हणजे जे 7 फेरीचे जे मोठे मोठे हार राहतात. कोणते याच्यात होत, सतवाना पिरियड होता कि मुगल्स होता ज्याच्यात 7 होते गळाचे. अजून ते पद्धतीचे कंबर पट्ट्यावर पण राहत होता. झुनकी, गोटे, पायल, गिनपियाल हे सर्व दागिनेचे नाव आहेत. मेल वेअर इथे मेल्स लोकांचं जास्त करून हुक्स अँड आयलेट फासनिंग म्हणजे बांध
हुक जे आपण आता ब्लाउजेस मध्ये किंवा काही लहान पोरांचे ड्रेसेस मध्ये वापरतो ते हुक अजून ते हुक ज्याच्यात अटकतात त्याला आयलेट्स म्हणतो. तर ते ह्या निजाम एरा मध्ये चालू झाला. कोट लाईक ट्युनिक वेअर द टाईट फिटेड कॉलर हुक्स अँड आयलेट फास्टनिंग क्लोज फिटेड इन द अपर ट्राउजर अपर टॉर्सो. अपर टॉर्सो टॉर्सो म्हणजे तुमचं डोक्यापासून थाईस पर्यंत म्हणजे मांडीपर्यंतचं जे काय म्हणणार बॉडी पार्ट्स आहे म्हणजे डोकं पासून मांडीपर्यंत हे टॉर्सो ब्लॉक आहे. ठीक आहे. त्याच्यात तुमचे शोल्डर्स चेस्ट वेस्ट अजून थाईज जसं आपले कॉलेजमध्ये जे डमीज ठेवले आहे ना काळे ते आहे टॉर्सो ब्लॉक म्हणजे मानापासून ते थाई मांडीपर्यंत आहे ना ज्याच्यावर आपण ड्रेपिंग करतो. तर क्लोज फिटिंग इन द अपर टॉर्सो म्हणजे इथे टाईट फिटिंग किंवा कोट लाईक ट्युनिक विथ टाईट फिटिंग कॉलर जसं नेहरू कॉलर टाईट राहते गळ्यात स्टँड कॉलर झाला तर ते पद्धतीचे कॉलर हे निजाम लोक घालत होते. कशात राहत होतं हे शेरवानी जे माणसं लोकांची शेरवानी राहते त्याच्यात टाईट फिटेड कॉलर्स राहतात. लूज फिटेड आता पण नाही आहे. शेरवानी म्हटलं की ते वरचा भाग टाईटच राहते. अजून ते स्टिफ राहण्यासाठी त्याच्या आत फोम टाकत होत आहे. आजकाल बघितलंय का शेरवानी फोमवाली आत फोम राहते. अस्तरचं कापड अजून जे वरचं कापड आहे त्याच्यामध्ये फोम टाकून राहते म्हणजे फोल्ड नाही झालं पाहिजे बरोबर सरळच सरळ राहिलं पाहिजे कडक राहिलं पाहिजे त्याच्यामुळे फोमची एक पातळ लेअर टाकतात. बघितलाय दुकानात कधी असं माहित आहे कोणाला? किसी को पता है क्या फोम भी लगाते है करके शेरवानी में? देखा है कभी? हो मैम ते शोल्डर्स वर शोल्डर वर का राहते ते शोल्डर पॅडिंग म्हणजे शोल्डरचं जे फोम राहते ते पूर्ण शेरवानी मध्ये नाही लावत. पूरी शेरवानी में आपके वो फोम स्टिचिंग रहती है मतलब अंदर से वो स्टिच किया जाता है फोम शीट मतलब जैसे आप कपड़ा काट रहे हो जिस मेजरमेंट में उस मेजरमेंट से फोम भी कटा जाता है और स्टिचिंग होती है साथ में. हो मैम. ठीक है. तो ये शेरवानी की जो कॉलर थी उस टाइम पे जब निजाम का राज्य था उस वक्त टाइट फिटिंग कॉलर उनके शेरवानी में थी. और यहाँ पे हुक एंड आईज मतलब अपने जिस तरीके के अभी हुक और वो हुक का जो कांच बनाते हैं वो यूज होना शुरू हो गया था. लूज फिटिंग इन द अपर टॉर्सो अपर मतलब जो शेरवानी है वो थोड़ी सी ढीली रहती थी एंड फ्लेयरिंग सम वॉट इन इट्स लोअर हाफ मतलब कमर तक थोड़ा सा लूज रहता था और नीचे के तरफ लोअर हाफ वो फ्लेयर रहता था जैसे हमारा चूड़ी कुर्ता रहता है नीचे के भाग नीचे का थोड़ा सा फ्लेयर रखते ना हम लोग और स्लिट रहती है अपन जो चूड़ी कुर्ता पहनते हैं चूड़ीदार पे. इट इज यूजुअली 6 to 7 बटन्स ऑफन रिमूवेबल वंस मेड विद गोल्ड सोविजिनियर इन स्पेशल ओकेजन. जो बटन्स रहते थे वो कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए सोने के बने हुए रहते थे. सोचो बटन शेरवानी में सोने की बटन वो शेरवानी को तो मैं कभी पहनू नहीं सोने की बटन अगर लगी है. द मटेरियल इज यूजुअली सिल्क एंड वूल. पूरा जो ड्रेस ये छोटे बच्चे का दिखाया हुआ है लेकिन निजाम के अगर कपड़े ये जैसे टाइट फिटेड कॉलर रहते थे अंदर वाला है ये तो ऊपर का कुछ जैकेट आएगा ही सामने पढ़ने में. तो यहाँ इस अंदर वाले
शेरवानी में 6 से 7 बटन्स रहते थे और इसी तरह का जो घेर दिख रहा है नीचे की तरफ, उस तरह का घेर रहता था शेरवानी में जो अभी भी है। स्ट्रेट कट्स रहते हैं, थोड़ा सा फ्लेयर रहता है, एप्पल कट देखा होगा धोती के ऊपर, एप्पल कट। शादियों में गए हो लॉकडाउन का? नहीं, लॉकडाउन के पहले? हाँ मैम। दूल्हे के ड्रेस के तरफ ध्यान नहीं दिया कभी, क्या पहना है क्या नहीं? तो उसमें मैम ऐसे कुर्तीज में भी रहता है ना एप्पल कट? हाँ एप्पल कट रहता है कुर्तियों में, लेकिन बॉयज लोगों के शर्ट्स में देखा है क्या एप्पल कट? देखा है? ये क्लास खत्म हो जाने से ना पापा जहाँ शर्ट रखते हैं ना, वो शर्ट ऐसे नीचे का जो हेम है वो देखना, बहुत सारे शर्ट्स में साइड सीम थोड़ा सा ऊपर होगा और जहाँ पे बटन है वो नीचे ऐसे राउंड में आ रहा होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, तो वो है एप्पल शेप। ठीक है, बगितला है का वो मैम? तो ये कहाँ थे हम लोग? यहाँ का मटेरियल सिल्क और वूल रहता था, ब्रूम, मेरा ही नेट अनस्टेबल आ रहा है। द ग्रूम्स में यूज गोल्ड ब्रोकेड फॉर हिज वेडिंग शेरवानी, बट अदरवाइज गुड टेस्ट, डेलिकेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड कलर एबिट विथ रिच एंड टेक्सचर्ड फैब्रिक। यहाँ पे सिल्क और उल, उल का बोल सकते हैं, इसमें सिल्क एंड उल ब्लेंड होता है एक साथ, मतलब बुना गरम कपड़ा भी रहता है और वो सिल्क का कवर, मतलब सिल्क के थ्रेड्स भी यूज होते हैं। और यहाँ शेरवानी में गोल्डन ब्रोकेट्स के साथ, मतलब गोल्डन तार के साथ, वो जैसे सिल्क की साड़ी में जो बूटे रहते हैं उस तरीके से शेरवानी बनाते वक्त जो सिल्क यूज हो रही है, तो जो बूटे के लिए यूज किया जाता है वो गोल्ड के तार रहते थे, जैसे हमारी पैठनी साड़ियों में रहता था पहले। तो द शेरवानी इज यूजुअली वोन ओवर सिल्क और द कॉटन कुर्ता, लॉन्ग शर्ट एंड पैजामा, बैगी पैंट विद ड्रॉ स्ट्रिंग एट द वेस्ट। यहाँ पे नाड़ा की चीज इजाद हुई, ठीक है? नाड़ा अब तक कपड़े के ऊपर से बांधा गया है, वो भी एक कपड़े का टुकड़ा ही था, मतलब कमर पे कपड़ा रखना है करके, वो एक काया बंद करके वर्ड सुना था ना, एक कपड़ा ऊपर से लपेट के कॉर्नर में नॉटिंग रहती थी, लेकिन यहाँ पे पैंट को कमर पे रखने के लिए नाड़े डाले गए थे पैंट में, निजाम के इस पे पैजामा जो रहता है ना, पैजामा में अभी भी नाड़े है रहते हैं, तो निजाम के इसमें ये बोल सकते हैं कि निजाम वेयर द फर्स्ट, अभी जो कुछ हम लोग ने पढ़ा ये सब अभी भी फॉलो होता है, अभी भी यूज करते हैं हम लोग। तो शेरवानी इज करेक्टली लूजली एसोसिएटेड विद हैदराबाद, although it has spread since to be the rest of the India and to Pakistan, Prime Minister Jawaharlal Nehru adapted its design, turned it into a trademark Nehru jacket. आप लोगों को बोला था कि नेहरू जैकेट की कॉलर टाइट रहती है, मतलब पूरा बॉडी फिटिंग रहता है नेहरू जैकेट, हल्का सा वो ईजनेस रहता है, लेकिन जैसे बॉडी का फॉर्म है उस तरीके से आपका वो जैकेट भी रहता है। फर्दर पॉपुलराइजिंग द गारमेंट, नेहरू जैकेट बोलने से टाइट फिटेड कॉलर आ जाती है, फ्रंट ओपनिंग के साथ पॉकेट्स रहते हैं और छोटी सी साइड में स्लिट रहती है। आप लोग ने स्लिट, स्क्वायर वाली स्लिट्स देखी है?
स्क्वायर स्लिटिंग देखी है क्या? जैसे अगर ये हमारा कुर्ता है, हम लोग यहाँ से कट रहता है ना, यहाँ पे ये सीधा सीधा रहता है, लेकिन इस यहाँ पे ऐसे चौकोन वाली कट देखी है क्या? मतलब थोड़ा सा यहाँ से पेट दिख रहा हो, अगर जीन्स के ऊपर कुर्ता है तो जहाँ पे कमर है उससे थोड़ा और ऊपर तक आपका स्लिट जाता है, वैसे ड्रेसेस देखे? हाँ मैम, मूवीज में देखे। मूवीज में देखे है ना, तो उनकी वो स्क्वायर स्लिट रहती है, मतलब जैसे अपने चूड़ी कुर्ते की स्लिट में जैसे स्टिचिंग रहती है, तो वो कपड़ा साथ साथ में रहता है। अगर आप अपने दोनों स्लिट को ज्वाइन करोगे तो आपका वो स्टिचिंग प्रॉपर रहता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर स्लिट में वो दूर दूर रहती है, क्योंकि जहाँ से वो स्लिट क्लोज होती है वो पूरा अपार्ट रहता है, मतलब आधे एक इंच डेढ़ इंच तक दूर कपड़ा भी कटा हुआ रहता है आपके बॉडी पार्ट पे, मतलब कमर पे। टाइज एंड डाइज, टेक्सटाइल्स एंड डाइज भी वहां पे है। रिमार्केबल फॉर देयर रोबस्ट डिजाइन, लाविश मटेरियल एंड बोल्ड वर्कमैनशिप, दीज टेक्सटाइल रिप्रेजेंट द यूटेंसिल क्वालिटी ऑफ द आर्ट ऑफ डेक्कन। द इंडियन कोट एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफॉर्म सिंपल फैब्रिक इन टू पावरफुल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बाय प्रोफ्यूज लेयरिंग ऑफ प्रेशियस मेटल। यहाँ पे सादे से कपड़े को, जैसे सिल्क है, उसको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दैट सिंपल फैब्रिक, एक सिल्क का कपड़ा अगर उसको क्या करोगे कि वो एकदम रॉयल दिखे, तो वहाँ पे मेटल एम्ब्रॉयडरी शुरू हुई, मतलब जरदोजी वाला जो काम है ट्रेडिशनली, नियर ऑल टाइप्स ऑफ मेटल एम्ब्रॉयडरी वे वर्क्ड ऑन द वुडन फ्रेम, करचोब करके बोलते हैं उसको, एक खाट जैसे रहता है, देखा है आपको? देखा है क्या? जैसे अपनी खटिया रहती है ना, तो चार पैर और किनारे की लकड़ी उतना ही रहता है, बीच में वो लोग पूरा कुछ रखते नहीं है, मतलब वहां कपड़ा बांधा जाता है धागे से कस के, और फिर उसके ऊपर मेटल वो जरदोजी एम्ब्रॉयडरी होती है, यानी तो टिकली वर्क भी होता है, जो आप लोगों को ऐसे सुई डाल के बस वो लोग खींचते ऐसे दिखता है, लेकिन वो नीडल को ट्विस्ट करते हैं। एक हाथ बार कभी इसका वीडियो दिखाऊंगी आपको कि करचोब, अभी जितना बताया वो समझ में आया क्या? करचोब क्या है? नहीं आया ना? ये सपोज एंगल ट्राइंगल नहीं कर सकते ना, देखो ये अपनी सपोज खटिया है और इसके साथ ऐसे पैर सपोज ये आप लोगों को अभी ऊपर वाला व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से अगर खटिया देखोगे तो कुछ ऐसी दिखेगी, नीचे रखी हुई, चार पैर रहते हैं और इस जगह पे ये लोग, सपोज ये सिल्क का कपड़ा है इतना इतना, ये सिल्क के कपड़े को खटिया पे इस तरह से बांधा जाता है, एजिंग पे ऐसे बांध के रखते हैं, पूरे खींच के बांधा जाता है सिल्क के कपड़े को, ताकि ये पूरा ऐसे पना हुआ रहता है कपड़ा, और फिर इसके ऊपर आप मेटल का वो वर्क करते हैं एम्ब्रॉयडरी बैठ के, क्योंकि जो इंसान बैठा है वो नीचे के तरफ से भी हाथ लेके ये कर सकता है धागे को, जो कुछ टेक्निक है उसकी, वो यहाँ से उसका हाथ नीचे भी लग सकता है और ऊपर से भी एक हाथ रह सकता है कपड़े पे, ठीक है।
क्लियर हुआ ये करचोप, इसको ये खटिए को करचोप बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड, काया बूटा, सीक्वेंस, सितारा, ये सितारा सीक्वेंस मतलब ये जो चपटे हम लोग क्राफ्ट में स्कूल में ऐसे टिकली जो लेते थे पैकेट में छोटी छोटी अलग अलग रंग की, कभी किया है काम? एकदम बिल्कुल चपटी रहती थी, बीच में एक होल है छोटा सा, उसमें अलग अलग कलर्स की, बहुत सारे कलर्स की मिलती है। सितारा मतलब स्टार शेप में भी रहती है। कॉइल्ड वायर यूज होता है अपने जरदोजी इसमें एम्ब्रॉयडरी में, मतलब कॉइल जैसा अंदर जरदोजी तार देखे है क्या? नहीं मैम। जरदोजी के तार देखे आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी अगर हुई होगी तो? नहीं देखे मैम। नहीं देखे है? सच में? तो उसमें ये सीक्वेंस, सितारा, कॉइल्ड वायर, सलमा, मतलब ये सब एक एक नाम है। धक्का, सलमा, ट्विस्टेड पेयर ऑफ बादला वर्क है, गो डोमिनो सीक्वेंस है, कचोरी, कटोरी एज वेल एज सिल्वर ग्लिफ एंड कलर्ड फॉइल वेयर अप्लाइड टू हाईलाइट द डिजाइन एंड क्रिएट रिचली डायमेंशनल एंड रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। ठीक है, ये सब एक साधारण कपड़े को किस तरीके से मतलब एक रॉयल चीज बन जाती थी। आप लोगों को रुको एक बार दिखा भी देती हूँ। तो तुम लोग जरदोजी एम्ब्रॉयडरी नहीं देखी आप लोगों ने? नहीं मैम। हाँ ये इस तरह का जरदोजी वर्क रहता था। हार्ट स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? स्क्रीन शेयर हो पा रही है? हाँ मैम। गूगल ऐड शुरू होगी। ये कपड़ा जिस तरह से अभी खींचा हुआ है दिख रहा है, यहाँ पे धागे से बांधा होगा। ये देखो यहाँ नीचे से इसका हाथ दिख रहा है, ये कपड़ा इतना है, ये मोती डाल रहे हैं ये लोग। तो एक हाथ वो नीचे है और दूसरे हाथ से स्विच घुमाते हुए वो लोग ये कर रहे हैं।
हमको खाट देखना। ये है ये बना के दिखा रहे वो लोग, इस तरह की लकड़ियों से वो लोग बनाते हैं खाट, धागे से, ये धागे से उस पे बुनेगा वो, और फिर इस पे कपड़ा के अटैच होता है। देखना है कि सामने कर दूं, देखो ये गड्ढे थे, ये डोरी से उसने पूरा ये किया है, ये है करचोब। बोला गया है ठीक है, इसे बांधा ये, और जो पट्टा था वो इस तरह से अंदर घुसा के रखा हुआ रहता है। ये कपड़े से, कपड़े को इस तरह से बांधा हुआ है, दिखा क्या वो इससे जल्दी मूव हो रहा है। ये सुइयां रहती हैं इस तरह की, अगर शेयर हो रहा होगा तो तो ये सीक्वेंस वर्क, सितारा वर्क आप लोगों के पास शायद से, या मम्मी लोगों के पास साड़ियां भी होगी, टिकली वर्क, ठीक है। ब्रिटिश राज मतलब ये अभी का जो काल हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद से जो ये कर रहे हैं, उस काल में क्लोदिंग ऑलमोस्ट मतलब ब्रिटिश लोग जब आए भारत में, उसके बाद 200 साल तक वो लोग ने जब राज किया, तो मतलब कुछ ना कुछ कपड़ों का इन्फ्लुएंस, या कपड़ों उनका रहन सहन, उनका घर जिस तरीके से था, वो सब यूज होना शुरू हुआ। This culture identity was changing. The modern India was convert education secure practicum wanted to belong to India and not to participate region status and culture. तब वहाँ पे ब्रिटिश लोगों के इसमें ये बैक फुलनेस वाले ड्रेसेस या गाउन्स रहते थे, बैकफुलनेस मतलब ये स्टार्ट यहाँ से, ये फ्लैट रहता था, सामने का खुला हुआ नहीं रहता था, बैक साइड में ये रहता था ज्यादा कपड़ा, और केजिंग जो केज रहता था वो बैक साइड में रहता था। ये उस टाइम के साड़ियाँ, फुल स्लीव वाले शर्ट, ब्लाउजेस, ये सब
की फैशन में आई थी, वाइट सूट, वेस्टर्न फैशन स्टेटमेंट. ये रॉयल मेंस एंड वुमेन्स ऑफ इंडिया वेर द फर्स्ट टू अडॉप्ट द वेस्टर्न फैशन स्टेटमेंट. जैसे कोई अच्छे बड़े घराने से है तो वो लोग ने ये सारी चीजें अपनानी शुरू की थी. और बट द क्यूरियोसिटी ऑलवेज शिफ्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल ग्रैब, जो अब तक वो लोग घाघरा चोली जो पहनते थे वो धीरे धीरे मतलब उन्होंने भी अपनाना शुरू किया उस तरह का फैशन. ड्यूरिंग सेलिब्रेशन द मेमोरीज सेरेमनीज लाइक बर्थ मैरिज एंड डेथ. इसके पहले इंडिया में वो उस तरीके का सेलिब्रेशन नहीं होता था कि कहीं मतलब हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए लोग आते हैं गिफ्ट लेके, लेकिन ये सब फॉरेन कल्चर था जो अभी यहाँ पे अभी नॉर्मल हो गया है ना. छोटे से स्कूल के बच्चे को पता रहता है कि हाँ मेरा बर्थडे है तो मम्मी आज शाम में बर्थडे पार्टी बनाएंगे, मतलब फ्रेंड्स लोगों को बुलाना है और उनके पसंद का खाना बनाना. तो ये चीज वेस्टर्न कल्चर में था जो इफेक्ट जो है वो अब तक दिख ही रहा है. इट वॉज द फैशन टू ड्रेस अप लाइक अ मॉडर्न ब्रिटिश, रीड इंग्लिश लिटरेचर, स्मोक अ पाइप एंड वेयर. स्मोक अ पाइप मतलब सिगार जो ब्रिटिशर्स लोग पीते थे वो पाइप के साथ था. जो राजा लोग उनको जब राजा राज्य में भी ये चलन था, निजाम का जब पीरियड था तब, तो वो लोग हुक्का जो है अभी हुक्का पार्लर्स और हुक्का ये चल अभी भी है कहीं ना कहीं, तो वो सब कुछ यहाँ ब्रिटिश एरा के वक्त या ब्रिटिश छोड़ जाने के बाद जो इंडियन लोग थे उनका फैशन या उनकी चीजें अपनाने के लिए, तो ये सब रिफ्लेक्ट मतलब ब्रिटिश लोग चले तो गए लेकिन उनकी जो चीजें जब वो लोग थे तब नहीं कर पाए, तो हम लोग ने उनके जाने के बाद वो सारी चीजें अपनानी शुरू की. शूज हैट वो लोग पहनते थे लेकिन कभी उनके प्रेजेंस में ये लोग शायद जो बड़े घराने से थे वो लोग धोती कुर्ता पहनते होंगे, वो लोग उनके फंक्शंस में अगर कहीं जाना है तो ही पैंट शर्ट पहन रहे हैं. तो ये सारी चीजें, ईटिंग ऑफ फोर्क मतलब वो कांटे वाले चम्मच और लकड़ी से खाते थे, तो फोक एंड नाइफ के साथ, कंसीडरिंग द क्लासिक एंड द पीपल हु एट विद द फिंगर्स वेयर लेड एज, मतलब ये कैसे जिनको पता नहीं है कुछ इस तरह से है करके वो कंसीडर किया जाता था एक कि ये बड़े घर आने से बिलोंग करते हैं. यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन कॉस्ट्यूम. यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स में ट्राउजर्स इंट्रोड्यूस हुए थे. गांधी गेव अप हिज वेस्टर्न अटायर ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस टू ड्राइव हिज पॉइंट होम. बाबा साहेब अंबेडकर हु स्लैप्ड द इंडियन शेप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो फ्रॉम द लोअर कास्ट वॉज ऑल्सो सीन इन वेस्टर्न सूट. इनको भी हम लोग ने हमेशा वेस्टर्न सूट में ही देखा है एज इट गेव हिम द फीलिंग ऑफ पावर. उनका वो सोच था कि सूट बूट में मैं अपने आप को एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग या पावरफुल इंसान समझता था वो उस टाइम. तो यहाँ महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द होमस्पन खादी. खादी का चलन कॉटन खादी से वो देखा है क्या? खादी वाला देखा है? स्लोली एंड स्टेडली इवन आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मेन्स एंड वुमेन चेंज देयर ड्रेसिंग हैबिट्स एटलीस्ट इन पब्लिक टू अ मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल इन ऑर्डर टू अपियर फॉरवर्ड थिंकिंग एंड फॉरवर्ड मूविंग. मतलब यहाँ पे सोच थी कि हम अगर कम से कम
बाहर घर में भले ही कुछ भी पहनते बाहर जाते हैं तो ये वेस्टर्न स्टाइल के अगर कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो हम लोग एक मॉडर्न फील या मॉडर्न एरा में रहते हैं करके हम लोग कितने मॉडर्न है वो दिखाना चाहते हैं लोग। ये उनके कॉस्ट्यूम्स थे। ये जो पैंट है, पैंट इतना ही नहीं, पैंट यहाँ तक है लेकिन बूट के अंदर है वो, ठीक है, लॉन्ग बूट्स थे उस टाइम चलन में। रहन सहन काफी चेंज हुए थे। यहाँ पे कॉस्ट्यूम के बारे में इतना दिया नहीं है बट इंडिगो और कॉटन इसकी मतलब इसकी खेती करना और इस कॉटन का ही कपड़ा ये करना अपनी ये इंडस्ट्री एम नागपुर में वो इंडस्ट्री थी ये कपड़े की ब्रिटिश काल से। ठीक है, ये आप लोगों को स्लाइड्स में जो जो ग्रुप ग्रुप करके भेजूंगी मतलब जिस एरा में आपका ज्वेलरीज है और ग्रुप करके भेजूं कि सब एक ही साथ भेजूं, गुप्ता पीरियड अलग से सतवाना पीरियड अलग से, क्योंकि नोट्स में तो दिया हुआ है। आज ये स्लाइड्स खत्म हुई है, ग्रुप में भेजने से चलेगा थोड़ा थोड़ा, हाँ कि बस आपके पास रहे। एकदम से 95 भेजूंगी तो वो फोन ब्लिंक होते रहेगा एक घंटे तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके भेजती हूँ मतलब एक एक एरा एक एक डायनेस्टी मतलब। ठीक है चलो रख रही हूँ। ड्राइंग वाली क्लास आज नहीं ले रही हूँ।